नाउ अब हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड, पहला फंक्शन तो ब्लड का यही हो जाएगा कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचता है, तो पहला फंक्शन यही है कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के पास बॉडी के हर सेल के पास पहुंचाता है। सेकंड, जब ये ऑक्सीजन को लेके जाता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ये करता क्या है, सेल में जो एस्क्रेटरी प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेकर कहां आता है, लंग्स तक, और बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ये लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। थर्ड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, ये क्या करता है, ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फोर्थ, सबसे और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जितने भी हार्मोन्स हैं, अब ये हार्मोन्स के बारे में डीपली आपके लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, कौन सा हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है, कौन सा उसका पर्टिकुलर फंक्शन है, तो वो अभी आगे के चैप्टर में है। लेकिन जितने भी हार्मोन्स हैं वो ब्लड के साथ या ब्लड में डिजॉल्व हो करके बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचते हैं, अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। पहला फंक्शन क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में गैस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। सेकेंड क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स के पास आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। थर्ड फंक्शन क्या है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फोर्थ फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को हर एक पार्ट के पास, हर एक सेल के पास पहुंचाता है और वहां उसका जो अपना फंक्शन है उसको कंप्लीट करता है, फिर ब्लड के थ्रू ये वापस ग्लैंड के पास आ जाता है। इस तरह से ये सारे फंक्शंस हैं ब्लड के, ब्लड के जो जो फंक्शन है हम बता दिए। इसके अलावा अगर अब कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर दीजिएगा। थैंक यू।